आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है, मंत्री परिषद से पद त्याग करने हेतु मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। देखिए यहाँ पे जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, इसका जो प्रधान होता है, मंत्री परिषद इसका जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री, या जिसे अपने बोल सकते हैं बहुमत दल का नेता। जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का प्रधान होता है और बहुमत दल का नेता भी होता है। बहुमत दल का नेता, अगर जो प्रधानमंत्री है अपने पद का त्याग कर दे, या पद त्याग जो है वो किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को अपना पद त्याग सौंपता है। और इसके अपने पद के त्याग करने के पश्चात जो संपूर्ण मंत्री परिषद है, संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाती है। एक प्रधानमंत्री के अपने पद का त्याग करने के पश्चात जो संपूर्ण मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है और पुनः यह निर्वाचन के द्वारा ही भरी जाती है। तो देखें यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने हेतु जो मंत्री होते हैं अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ पे वो कौन है मंत्री, वो होते हैं प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है वो अपने पद का जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं, जिससे संपूर्ण जो मंत्री परिषद है वो भंग हुई मानी जाती है। तो अपने प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।